चुनाव सबसे बड़ा त्यौहार है और जहां जहां चुनाव है उसके बीच में त्यौहार आ जाए तो त्यौहार भी चुनावी हो जाते हैं। ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया परंपरागत ड्रेस कोड में कुलदेवी की पूजा करने पहुंचे तो सारे कैमरे उनके पीछे लग गए। हर तरफ सिंधिया राजघराने के रीति रिवाज की चर्चा होने लगी। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनका असर ग्वालियर चंबल की 36 सीटों पर ही नहीं पूरी की पूरी 230 सीटों पर हो सकता है। उधर मामा शिवराज सिंह चौहान कन्या पूजन को लेकर पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं। दिग्विजय को ये रास नहीं आया और फिर शुरू हो गई जुबानी जंग। शिवराज ने इसे सनातन के साथ आधी आबादी के अपमान के साथ भी जोड़ दिया। कमलनाथ डैमेज कंट्रोल करने आए लेकिन क्या वो कामयाब हो पाए, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने बुराई के प्रतीक रावण का पुतला दहन किया। दशहरा के पर्व पर पीएम ने देश को संदेश दिया कि बुराई कितनी भी बड़ी हो लेकिन जीत अच्छाई की ही होती है। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर राजघराने के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पारंपरिक तरीके से विजयादशमी का त्योहार मनाया। वो अपने बेटे के साथ गोरखी देवघर पहुंचे और राजसी वेशभूषा में अपनी कुल देवी की पूजा अर्चना की। सिंधिया परिवार हर त्योहार पर इस मंदिर में पहुंचता है लेकिन शारदीय नवरात्रि में यहां खास पूजा होती है। दशहरा के शुभ अवसर पर ग्वालियर के वासियों को, मध्य प्रदेश के वासियों को दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा हम सब के लिए वो महत्वपूर्ण दिवस है जो इस बात का प्रमाण है कि बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत होती है और असत्य के ऊपर सत्य की जीत होती है। इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रदेश की जनता, क्षेत्र की जनता की जिंदगी में खुशहाली भगवान के आशीर्वाद से सदैव रहे, यही कामना आज के दिवस पर हम करते हैं। मौसम चुनाव का है तो तस्वीरों के अलग अलग मायने होते हैं, अलग अलग संदेश निकलते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा का चुनाव भले ही ना लड़े लेकिन उनका असर ग्वालियर चंबल रीजन में देखने को मिलता है। ग्वालियर चंबल इसलिए भी खास है क्योंकि जिसे यहां जीत मिलती है मध्य प्रदेश की सत्ता भी उसी के पास जाती है। 2018 में इसी क्षेत्र की वजह से बीजेपी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। ग्वालियर चंबल रीजन में 34 सीटें आती हैं। 2018 में बीजेपी यहां से सिर्फ 6 सीटें जीत पाई जबकि कांग्रेस को इस इलाके से 26 सीटें हासिल हुई। इसके अलावा दूसरी पार्टियों को 2 सीटें ही मिली। मध्य प्रदेश में दशहरा के मौके पर भी जमकर सियासत हो रही है। शिवराज सिंह चौहान हर नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं लेकिन जब दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान के कन्या पूजन को नौटंकी बताया तो सीएम भड़क गए। दिग्विजय सिंह को घटिया सोच वाला बता दिया, कहा लड़कियों को टंचमाल कहने वाले बेटियों की पूजा और सम्मान नहीं सह पाते हैं। देखो मुख्यमंत्री की तो बात मत करो, इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि झूठा और नाटक नौटंकी वाला करने वाला मुख्यमंत्री मैंने नहीं, व्यक्ति मैंने नहीं देखा। अब तो नरेंद्र मोदी जी भी इससे खतरा महसूस कर रहे हैं, कितना बड़ा नौटंकी, हमसे बड़ा नौटंकबाज कैसे हो गया। ये बेटियों की पूजा ये सनातन संस्कार है और पूरा देश कल बेटियों की पूजा कर रहा था, बेटियों के पांव पखारे जा रहे थे, कन्या भोज किए जा रहे थे। मैंने भी बेटियों की पूजा की, हाँ मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं लेकिन बेटियों की पूजा को आप नाटक नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटी की पूजा और बेटियों का सम्मान सहन नहीं कर पाते, ये आपके संस्कार होंगे दिग्विजय सिंह जी, लेकिन मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं और बेटियों की पूजा करता रहूंगा, बहनों की पूजा करता रहूंगा। बहन और बेटियों को टंचमाल कहने वाले, आइटम कहने वाले ये नहीं कर सकते। आखिर क्यों इंडिया गठबंधन की तरफ से सनातन की परंपराओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं?
कांग्रेस सनातन के अपमान पर चुप क्यों है? क्या पार्टी जानबूझकर दिग्विजय सिंह को डिफेंड कर रही है? कांग्रेस दिग्विजय सिंह को आगे कर गैर हिंदू वोटों का बिखराव रोकना चाहती है? कमलनाथ को सॉफ्ट हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाकर हिंदू वोट हासिल करना कांग्रेस की रणनीति है? दिग्विजय सिंह को बीजेपी मिस्टर बंटाधार यूं ही नहीं कहती, वो बैठे बैठाए विपक्ष को ऐसा मौका दे देते हैं जिसका जवाब देना पार्टी के लिए भारी पड़ जाता है। पहले भी कांग्रेस पर सनातन के अपमान के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह का यह बयान चुनाव में हिंदू वोटरों को नाराज कर सकता है। मध्य प्रदेश में करीब 91% हिंदू हैं, जबकि मुसलमानों की आबादी महज 6.57% है, बाकी दूसरी जातियां 2.5% हैं। मध्य प्रदेश की 200 सीटों पर हिंदू वोटर ही निर्णायक साबित होते हैं। ऐसे में हिंदू वोटर जिधर जाएगा जीत भी उसी की होगी। समस्या सिर्फ हिंदू वोटर्स की नाराजगी भर नहीं है, बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान को आधी आबादी के सम्मान से जोड़ लिया है। शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के बड़े नेताओं से जवाब मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि महिलाओं को लेकर क्या कांग्रेस का भी स्टैंड वही है जो दिग्विजय सिंह का है। आज मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछता हूं, मैडम सोनिया गांधी से पूछता हूं, क्या बेटी की पूजा नाटक नोटक की है? सारे देश ने बेटियों की पूजा की है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या वो बेटियों की पूजा के खिलाफ है, कन्या पूजन के खिलाफ है? अपने स्टैंड को साफ करे कांग्रेस, ये भारत है। दिग्विजय जी, शिवराज का और सनातन का विरोध करते करते आप इतने निचले स्तर को उतर आए, घटिया स्तर को उतर आए कि बेटियों की पूजा का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस को जैसे ही समझ में आया कि दिग्विजय सिंह का बयान कांग्रेस की सियासी उम्मीदों पर भारी पड़ सकता है, तो कमलनाथ ने खुद मोर्चा संभाला और शिवराज सिंह पर ही राजनीति करने का आरोप लगा दिया। कमलनाथ ने लिखा कि शिवराज जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप कन्या पूजन जैसे पवित्र धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य पर भी वोटों की राजनीति करने लगेंगे। अरे, आपको कांग्रेस के कन्या पूजन की इतनी फिक्र है तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं से पूछने की क्या आवश्यकता है? महानवमी के पावन दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में भी कन्या पूजन और भंडारा हुआ था, आप भी आकर प्रसाद ग्रहण कर सकते थे। छिंदवाड़ा में भी कन्याओं का पूजन पूरे विधि विधान से किया गया, आप भी आकर देवी से आशीर्वाद ले सकते थे, लेकिन आप ये नहीं करेंगे क्योंकि आध्यात्मिकता, धर्म और परंपरा, इन तीनों में आपकी आस्था नहीं है, आपकी आस्था सिर्फ वोटों की सौदेबाजी में है। महिलाएं मध्य प्रदेश चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की कोशिश आधी आबादी को अपनी तरफ लाने की है। मध्य प्रदेश में 3,50,14,503 महिलाएं हैं, यानी प्रदेश की कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी 48.30% है। इनके वोट से ही तय होगा कि एमपी में अगली सरकार किसकी बनेगी। ये महिलाओं की ही ताकत है कि सभी पार्टियों के एजेंडे में टॉप पर महिलाएं हैं। बीजेपी लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए दे रही है, साथ ही उसे 3,000 रुपए तक बढ़ाने की तैयारी है। तो कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना का ऐलान किया है जिसमें महिलाओं को 1,500 रुपए मिलेंगे। कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया, तो शिवराज सरकार ने LBY और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए प्रति महीने पर गैस सिलेंडर देना शुरू कर दिया। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण देने की बात कही, तो कांग्रेस ने स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित करने का ऐलान किया। शिवराज सिंह चौहान के कन्या विवाह योजना के जवाब में कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में बेटी विवाह योजना का वादा किया है जिसमें शादी के लिए 1,00,000 रुपए की मदद की जाएगी। शिवराज सरकार वृद्ध, विधवा, दिव्यांग महिलाओं को 1,000 रुपए पेंशन दे रही है, तो कांग्रेस ने 1,200 रुपए हर महीने पेंशन देने का दावा किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जहां भी मुसीबत में होती है तो उसके आसपास दिग्विजय सिंह की मौजूदगी जरूर रहती है। दिग्विजय सिंह पर सिर्फ बीजेपी ही सवाल नहीं उठा रही, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के निशाने पर भी वही है। टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में विरोध के सुर तेज हो गए। भोपाल में जिस कांग्रेस नेता ने कमलनाथ की जीत के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कराया था, अब वही टिकट न मिलने पर उनकी सद्बुद्धि के लिए पाठ करवा रहे हैं। दरअसल हुजूर सीट से टिकट मांग रहे कांग्रेस नेता विष्णु विश्वकर्मा ने कैंडिडेट बदलने की मांग की है। कांग्रेस ने यहां से नरेश ज्ञान चंदानी को टिकट दिया है।
आरोप है कि दिग्विजय सिंह के दबाव में पार्टी ने यहां से ज्ञान चंदानी को उम्मीदवार बनाया है। कमलनाथ ने अपने इसी बंगले में शिवपुरी से कांग्रेस के टिकट के प्रत्याशियों से कहा था, टिकट नहीं मिला तो जयवर्धन दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, तब उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। ये हालात लगभग टिकट वितरण की सूची आते ही हो जाएंगी। कमलनाथ के बंगले के सामने फिर एक बार टिकट नहीं मिलने से जो नाराज प्रत्याशी हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। भोपाल की हुजूर विधानसभा से नरेश ज्ञानचंदानी जिन्हें टिकट मिला है, उनकी बजाय ये चाहते हैं टिकट उन्हें मिले, चयन की पुनः समीक्षा हो। 51,000 हनुमान चालीसा के पाठ हुजूर विधानसभा के 226 मंदिरों पर हमारे चल रहे हैं और हमने 51,000 पाठ माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए किए हैं और हुजूर विधानसभा जीतने के लिए किए हैं और हुजूर विधानसभा में अपना एक वजूद बनाया है और धर्म ध्वजा लहराई है और इस बार हम हुजूर विधानसभा जीतने की स्थिति में चयन की पुनः समीक्षा। अब चूंकि सर्वे के आधार पर टिकट नहीं हुए इसलिए कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, मैं भी हनुमान भक्त हूं, तो मेरी पीड़ा उनको मैं सुनाने आया हूं हनुमान चालीसा के माध्यम से कि आप पुनर्विचार कर लीजिए। हमें मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है। माननीय कमलनाथ जी कर्नाटक में हनुमान दद्दा जी महाराज की कृपा से सरकार बनी थी और यहाँ पर भी हनुमान जी की गदा ही चलेगी। कुछ छत्रप हैं जिन्होंने अपने अपने टिकट बांटे हैं और उसका नुकसान माननीय कमलनाथ जी को हो रहा है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने टिकट बंटवारे में किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया और कहा कि सर्वे में जो सबसे आगे रहे पार्टी ने उन्हीं को टिकट दिया। मैं नरेश ज्ञानचंदानी का केस बताता हूँ आपको, ये कहीं गया ही नहीं, ना तो भोपाल में रहता है, दिल्ली तो गया नहीं, ना कैसे उसे चक्कर काटे, उसको टिकट मिल गया। छानबीन करके निष्पक्षता से टिकट दिए गए हैं। ऐसे लोगों को टिकट मिला है जिनको को कहे नहीं, हम तो कांग्रेस के वर्कर हैं। हाँ, उनका आंकलन हुआ दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करीब 42 तो बीजेपी को करीब 22 सीटों पर विरोध झेलना पड़ रहा है। 6 विधानसभा क्षेत्रों में तो बीजेपी के नेताओं ने खुली बगावत कर दूसरे दल से चुनाव लड़ने के लिए भी टिकट ले लिया है, जबकि कांग्रेस में 5 नेता बागी होकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। गुजरात में बीजेपी का विधायकों का टिकट काटने का फॉर्मूला हिट रहा था, लेकिन ये रणनीति मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव में कारगर नहीं रही थी।